बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान एक नई वीडियो के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। दोस्तों, मैं ये वीडियो डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के उन एप्लीकेंट्स उन कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने हाल ही में आई सीटों पर, पुलिस की सीटों पर अप्लाई किया था और वो सीटें जो थीं वो ज़िला राजनपुर की ही थी। तो दोस्तों, ज़िला राजनपुर की जो पुलिस इंतज़ामिया है उन्होंने उन खुशनसीब 3500 नौजवानों की लिस्ट जारी कर दी है जिन्होंने टेस्ट देना है, जिस्मानी टेस्ट देना है अपना। उसमें कद, छाती, पैमाइश वगैरह और दौड़ वगैरह होगी। तो वो 3500 नौजवान कौन कौन से हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, वो अपना नाम इस पूरी लिस्ट में देख सकते हैं। चूँकि ज़िला राजनपुर के 3 तहसीलें हैं तो मैंने तहसील वाइज वीडियो बनाई है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें तहसील जामपुर के जितने भी थाने हैं सब, मतलब उनकी लिस्टें इस वीडियो में हैं, पूरी तहसील जामपुर के जिन्होंने अप्लाई किया था। इसी तरह जो तहसील राजनपुर के वो हैं कैंडिडेट्स हैं वो राजनपुर वाली वीडियो देखें, और जो रुझान के हैं वो रुझान वाली वीडियो देखें। तो इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि किसका नाम आया है पैमाइश के लिए और उसकी जो पैमाइश की जगह और तारीख़ और वक्त वो भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं आसानी से, आपके लिए वीडियो लाया हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए साथ मौजूद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको बरवक्त मिलता रहेगा। इसके अलावा मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में तकरीबन 5 थाने आए हैं जिनमें 2 जामपुर के हैं, एक मोहम्मदपुर, एक लालगढ़ और एक दाजल का है। जामपुर के जो थाने हैं, एक थाना सिटी हो गया और दूसरा थाना सदर। इसके अलावा मोहम्मदपुर का थाना, थाना दाजल और थाना लालगढ़, इनमें से मतलब जितने भी कैंडिडेट्स थे इन इलाकों के रहने वाले, तहसील जामपुर के रहने वाले, उनको उनकी लिस्ट जो है वो इस वीडियो में है। तो वो अपना नाम आसानी से तलाश कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन ये बिल्कुल थाना वाइज है, पुलिस स्टेशन। जैसे सबसे पहले मैंने जामपुर के कैंडिडेट्स के नाम दिए हैं तो वो अपना नाम देख सकते हैं। उसके अलावा जो जामपुर के नहीं हैं तो वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दीजिए अगर वो चाहते हैं। उसके अलावा उसके बाद जो है जामपुर के बाद मोहम्मदपुर का नंबर आया है, मोहम्मदपुर के कैंडिडेट मोहम्मदपुर से देख लें। और उसके बाद जब मोहम्मद, अगर वो मोहम्मदपुर के भी नहीं हैं तो वो वीडियो को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद दाजल का नंबर आता है, दाजल वाले देखें। उसके बाद आता है लालगढ़ का, तो लालगढ़ वाले भी देख सकते हैं। वीडियो को स्किप करना चाहें, सिर्फ अपना नाम देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने काफ़ी मेहनत से ये जो फॉर्म है ये निकाले हैं, बड़ी मेहनत की है, और जो है ना आप अपने नाम यहाँ से देख सकते हैं। मेरी एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं मज़ीद आपके लिए इसी तरह की आसानियाँ पैदा करता रहूँ। आप बराए मेहरबानी अपना नाम देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाएं राजनपुर में और लिस्ट में अपना नाम देखें। वो जस्ट इस वीडियो को ओपन करें और यहाँ से अपना नाम देख सकते हैं, तहसील जामपुर वाले। इसके बाद मैं अपलोड करूँगा राजनपुर तहसील की, और उसके बाद अपलोड करूँगा रुझान तहसील की लिस्टें जिनमें वो लोग, जो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, वो अपना नाम देख सकते हैं कि आया उनका नाम आया है लिस्ट में कि नहीं आया। इसके अलावा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें और अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकें।
Thank you.